आप लोग गाड़ी में बैठे, मैं आती हूँ। मान गई, इस घर में आने के लिए बिल्कुल ठीक वक्त का इंतखाब किया। तुम्हें लग रहा है कि मंगनी रुकवाकर मुझे और वकार को अलग कर दोगी? ऐसा सोच रही हो ना तो ये तुम्हारी भूल है। मैं वकार को किसी भी कीमत पर तुम्हारा होने नहीं दूंगी। वकार मेरा था, हमेशा मेरा रहेगा। सुने, आपने जो सोचना है आप सोच लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी हर कश्ती जला के आई हूं, मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। अब यही मेरा घर है और अपने घर को बचाने के लिए मुझे जो करना पड़ा मैं करूंगी। जो भी बेटा, मुझे माफ कर देना और तुम फिक्र न करना, मैं विरसा को इस घर में नहीं रहने दूंगा। मैं बकार को समझाऊंगा, वो चलता करेगा इस लड़की को। मैं जानती हूं मामू जान, इस घर में अगर कोई दिल से मेरे साथ है तो वो आप हैं। चलती हूँ, नीचे गाड़ी में मम्मी और डैड इंतजार कर रहे हैं। जीती रहो। नहीं, अगर विरसा को वापस बुलाने मेरी बहन और भांजी की जिल्लत के पीछे तुम्हारा हाथ हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। मैंने तुमसे कहा था फातिमा, आइंदा अगर तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं होगी। दफा हो जाओ यहां से, मेरे घर में नहीं रह सकती हो, तुम निकल जाओ यहां से। नहीं, मैं कसम खा के कह रही हूं, ये फैसला विरसा ने खुद किया है, मैं लाइल्म हूं, मैंने उसे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। मुझे तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं है। मैंने नहीं कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं है। मैं कह रहा हूं निकलो मेरे घर से। तुम किस तरह की बीवी हो, शौहर की पीठ में इस तरह छुरा घोंपते, और मां हो तुम। वाह, कैसी मां हो जिसने चुपचाप बेटी को घर से भगा दिया। मेरा यकीन कीजिए मंसूर, मेरा यकीन कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा। क्या कर रहे हो मंसूर? इस वक्त तुमने अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल दिया तो बदनामी किसकी होगी, तुम्हारी, हमारे खानदान की? बेटी पहले ही घर से जा चुकी है, अब बीवी को भी निकाल दोगे तो दुनिया वालों से क्या कहोगे कि रातों रात बीवी और बेटी दोनों घर से चली गई? ऐसा मत करो, सब्र से काम लो और सोच विचार करके इस मुश्किल का कोई हल ढूंढो। नहीं भाई साहब, इसने मुझे मेरी नजरों में छोटा कर दिया है, मेरी बेटी को मुझसे दूर कर दिया है इसने। इससे कहीं यहां से चली जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। बस मंसूर, फातिमा तुम अंदर जाओ। भाई साहब आप अंदर जाओ, तुम फातिमा। Oh.
मियां बीवी का असल रिश्ता तो निकाह से बनता है। मैं और वकार मियां बीवी हैं, और मेरी तरफ से जो भी लोग हमारे बीच आए, हमारे बीच नफरतें पैदा की, गलतफहमियां पैदा की, उन्हें मैं आज हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ आई। मैं किसी को नहीं देख रही वकार, मैं सिर्फ आपको देख रही हूं। किसी को कुछ कहे सुने बगैर न जाने वो लड़का कहां चला गया। हारिस वो आ जाएगा, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? मैं परेशान ना हूं? अरे तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि मेरी बहन बहनोई और मेरी भांजी के साथ क्या हुआ? अंगारों पे लौट रहा हूं ना ही अंगारों पे, बस खत्म हो गई है मेरी बर्दाश्त। अब विरसा इस घर में नहीं रहेगी, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं उसे। नहीं, अब क्या करना चाहते हैं? वकार को तो आने दे। हारिस, हारिस एक मिनट रुकिए, तो सही बात तो सुने। हारिस उठो लड़की, बहुत ढीठ हो तुम मेरे इस घर में नहीं रह सकती, समझी? हारिस आप क्या कर रहे हैं, पहले वकार को तो आ लेने दे। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा, ये लड़की मेरे घर में नहीं रहेगी। चलो चलो बाहर निकलो इस घर से, मैं कह रहा हूं निकलो। रुक जाइए हारिस, प्लीज चुप रहो तुम, वरना तुम्हें भी। मेरी बस एक बात सुन ले, फिर आपने जो करना होगा कीजिएगा। वकार को आ लेने जाए, आराम से बैठ के उससे बात करें, जब उसका फैसला होगा वो करेंगे। मैं किसी की कोई बात नहीं सुनना चाहता, ये इस घर में नहीं रहेगी, ये मेरा फैसला है, समझी तुम? तो फिर ठीक है, अगर आपने इसको इस तरह निकाला ना, तो आप अपने बेटे को देखने के लिए तरस जाएंगे, हाथ धो बैठेंगे अपने बेटे से। आपसे इतना भी सबर नहीं हुआ कि आप मेरे वापस आने का ही इंतजार कर लेते। How could you do this, बाबा? आप उसका हाथ पकड़ के यहां से निकाल रहे थे, बीवी है वो मेरी। I wasn't expecting this from you, बाबा। इस लड़की ने और इसके घर वालों ने जो हमारे साथ किया है, मैं इसे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, अगर आपको इतनी ही जल्दी है इसको इस घर से निकालने की, तो ये अब यहां से अकेली नहीं जाएगी, आपका इकलौता बेटा भी इसके साथ इस घर से जाएगा। और एक बात याद रखिएगा आप दोनों, अगर आज और इसी वक्त मैं इस घर से गया, तो आप लोग दोबारा मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, मर गया मैं आप लोगों के लिए। बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? नहीं बकार, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, ऐसे तुम्हें अपनी आंखों से दूर ही नहीं रख सकती, तुम्हारे बगैर मैं जी भी नहीं सकती, तुम कहीं भी नहीं जाओगे, कहीं भी नहीं। छोटे साहब, बाहर कोई फरमान साहब आए हुए, विरसा बाजी का नाम ले रहे हैं। उसे अंदर बुलाओ। ठीक है।